हेलो हाय दोस्तों, मैं हूँ साजिदा। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी होममेड सैनिटाइज़र। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हो मेरे हाथ में है सैनिटाइज़र की बॉटल, जो कि घर पे बनाया है। ट्रैवल फ्रेंडली है गाइस, आप इसको ट्रैवल में भी यूज़ कर सकते हो बहुत ही आराम से। तो घर पर ही कुछ चीज़ों से बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और हाँ गाइस, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि मेरी वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको पहुँच जाएगा सबसे पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, यहाँ पे मैंने ले लिया है एक कप, जिसमें हमें हैंड सैनिटाइज़र बनाना है। तो सबसे पहले लेना है एलोवेरा जेल। आप कोई भी एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आपके पास फ्रेश पत्तियाँ हैं उसका भी आप जेल निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो फाइन पेस्ट होना चाहिए कुछ इस तरह से। और इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ गाइज, क्योंकि हमें इसमें नेक्स्ट डेटॉल का इस्तेमाल करना है। तो ये देखिए मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी डेटॉल लिक्विड। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके डेटॉल का इस्तेमाल करूँगी। एक साथ डालेंगे दोस्तों तो क्या होगा, गुठलियाँ बन जाएगी, जिसको पेस्ट फॉर्म में बनाना थोड़ा सी मुश्किल हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा हम ऐड करेंगे। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा ऐड किया है। अब मैं मिक्स करूँगी इसको, फिर उसके बाद थोड़ा सी ऐड करूँगी डेटॉल को। यानी कि हमें 2 से 3 चम्मच डेटॉल लेना है, और 1 चम्मच मैंने लिया था एलोवेरा जेल। तो आप जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहते हो गाइस, उतनी क्वांटिटी में बना सकते हो। अब इसको मुझे बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है, ताकि ये फाइन पेस्ट और स्मूथ टेक्सचर में मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एकदम फाइन पेस्ट हो गया है। अब हमें थोड़ा सी हाथों को सॉफ्ट रखने के लिए और हमारे सैनिटाइज़र में खुशबू लाने के लिए, ये देखिए मैं बादाम का तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी और हमारे हाथ जो है वो सॉफ्ट रहेंगे, मॉइस्चराइज रहेंगे। तो थोड़ा सा ऐड करना है दोस्तों, 1 टीस्पून के जितना ही लेना है। इसको अच्छे से मिक्स करना है। तो ये देखिए मिक्स हो गया है, इसको ज़्यादा कुछ नहीं करना है गाइस। तो मैं इसको इस्तेमाल किस तरह से करते हैं वो बता देती हूँ, और इसका रिज़ल्ट भी आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखिए, बस थोड़ा सा हमें लिक्विड लेना है सैनिटाइज़र का। अब इसको हाथों में अच्छे से लगाना है, अच्छे से अप्लाई करना है, ताकि हमारे हाथ भी सॉफ्ट रहे और हमारे हाथों में जो भी बैक्टीरिया है वो निकल जाए। नील्स वगैरह में भी जो भी बैक्टीरिया है वो सारा निकल जाए। तो आप देख सकते हो गाइस, इसका रिज़ल्ट आप लोग के सामने है। ये हमारा होममेड सैनिटाइज़र बिल्कुल मार्केट के वाले सैनिटाइज़र के जैसा ही काम करता है। अगर आपके पास कोई भी बॉटल है तो आप उसमें ऐड कर सकते हो। ये मैंने छोटी सी बॉटल लिया है, जो कि ट्रैवल फ्रेंडली है गाइस, आपको ट्रैवल में भी इस्तेमाल कर सकते हो इसको। तो मैं इसमें इसको पोर कर देती हूँ। ये देखिए मैं थोड़ा थोड़ा सा इसमें डाल देती हूँ। आपके पास जो भी बॉटल है गाइस, उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये देखिए मैंने इसको इसमें ऐड कर दिया है। इसको शेक कर लीजिए फर्स्ट, और उसके बाद इस्तेमाल करें। और मार्केट से सैनिटाइज़र ख़रीदने की आपको टेंशन नहीं है, इस तरह से आप घर पर ही बना लीजिए घर की चीज़ों से। तो कैसा लगा ज़रूर बताइए।